नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं वेद प्रकाश। आज हम हैं नवादा में और ये है नवादा का ककोलत जलप्रपात। ककोलत शीतल जलप्रपात में हर साल 14 अप्रैल को 5 दिवसीय मेला लगता है। सतवानी मेला इसको कहते हैं। और गौर करने वाली एक बात और है कि 14 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ककोलत शीतल जलप्रपात के मुख्य द्वार पर भीमराव अम्बेडकर साहब की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है। ककोलत शीतल जलप्रपात की दूरी नवादा से करीब 35 किलोमीटर है। खूबसूरती प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से इसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। इसकी खासियत है कि यहाँ पर जो झरना है उससे ठंडा ठंडा पानी निकलता है। इस तरह का बिहार में इकलौता शीतल जलप्रपात ककोलत है। यहाँ ना सिर्फ बिहार के बल्कि बिहार के बाहर और देश विदेश के सैलानी भी गर्मियों के दिनों में आते हैं और ठंडे ठंडे पानी से नहाने का लुत्फ उठाते हैं। चलिए, हम ज्यादा इंतजार कराए बगैर हम आपको झरने की ओर ले चलते हैं। यही है ककोलत शीतल जलप्रपात। आप देख सकते हैं यहाँ की सैकड़ों लोग एक साथ नहा रहे हैं। ऊपर से ककोलत का शीतल जलप्रपात एकदम बेरोटोक बह जा रहा है, जिससे ठंडा ठंडा पानी आ रहा है और लोग ठंडे पानी का गर्मी के दिन में लुत्फ उठा रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी लोग आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कुंड है जहाँ पे लोग नहा रहे हैं, पहले इसकी गहराई काफ़ी अधिक थी। 1994 में इस कुंड को भरा दिया गया, नहीं तो पहले गहराई का अंदाज़ा नहीं होने की वजह से कुछ लोग डूब जाते थे, दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ना सिर्फ इसे भर दिया गया है बल्कि सुरक्षा के और भी कई इंतजाम किए गए हैं, जिससे लोग सुरक्षित होकर यहाँ पे नहाते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, सभी लोग। अब यहाँ तो देख लिया हम लोग ककोलत का नज़ारा, अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये पानी आता कहाँ से है। तो हम चलते हैं पहाड़ के ऊपर और देखते हैं कि ये जो ककोलत का पानी नीचे बह रहा है कहाँ से वो निकलता है। तो इसके लिए हमें ऊपर जाना होगा। हम ऊपर चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। ये जो झरना दिख रहा है, पहाड़ से पानी गिरता है यहाँ से, और यहाँ से जो इस तरह से देख रहे हैं एक जमाव सा यहाँ हो जाता है और वही नीचे में झरने की तरह गिरता है। हमारे साथ अभी हैं कुंदन पासवान, ककोलत विकास परिषद के कर्मचारी हैं। ये बताएंगे कि ककोलत का जो ये पानी है यहीं से निकलता है या फिर इसका और भी कहीं इस तरह का झरना? ऐसा सा 64 झरना। अच्छा जी, ये पानी 64 झरना से निकल के आती है। हाँ। और आगे चलिएगा तो सोजा की तरह निकलता है पानी। किस तरह? सोजा। अच्छा,
कभी जमा होकर के कभी आगे बढ़ेगा, ज्यादा होगा, इस तरह से पानी निकलता है। आप गए हैं? हम लोग गए हैं चौसठ पार करके। वो किस इलाके में आता है वो चौसठ? वो बिहार में ही है। बिहार में किस जिले में आता है ये? नवादा जिला। कहाँ, कौन सा ब्लॉक होता है? गोविंदपुर। गोविंदपुर में। इसकी गहराई कितनी? इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, 30 फीट का। अच्छा, 6 फीट है। 30 फीट? 30 फीट है ये गहरा? 30 फीट का गहरा। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है ये जानने के लिए हम और ऊपर की ओर जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक और अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा, फिर से झरना। यहाँ पर झरना जो दिख रहा है वो लग रहा है कि दो तरह से बह रहा है। देख सकते हैं आप, झरना एक ही है लेकिन रास्ते बदल गए हैं यहाँ पे, इस वजह से खूबसूरती और भी बढ़ गई है इस झरने की। ककोलत का पानी जहाँ से गिरता है उसके एक ऊपर हम आए और उसके ऊपर भी अब आ चुके हैं। और हम ऊपर चलते हैं, ऊपर एक मोहिनी कुंड है, वहाँ पे हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। देख सकते हैं आप, पेड़ पे चढ़ गए हैं और पेड़ पे कूद रहे हैं नीचे। बेहतरीन नज़ारा, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं पेड़ से कूद के, झरने का आनंद ले रहे हैं, इस कुंड का आनंद ले रहे हैं। बेहतरीन नज़ारा। शायद आप ककोलत आते होंगे तो ये नज़ारा नहीं देख पाए होंगे जो हम देख पा रहे हैं ककोलत के ऊपर। ककोलत पहाड़ के ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरा जो झरना है, तीसरा जो कुंड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और कूद रहे हैं ऊपर से। खूब मजे कर रहे हैं ये लोग। कश्मीर नवादा जिला में पड़ता है ककोलत जलप्रपात। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ, जो सर रख रखाव है उस पर भी ध्यान देते हैं जी। हाँ, डूबते हैं उनको भी निकालते हैं सर। ककोलत जलप्रपात में आके हमें मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जंगल झाड़ियाँ और पहाड़ों के बीच से पानी आना, ये सब दृश्य देखकर यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ ककोलत जलप्रपात में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा, पानी का बहना ये सब बहुत अच्छा लगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मैगजीन इंडिया टुडे है और ये खबर ककोलत से जुड़ी हुई है। इसका शीर्षक है, जिनके रहते कैसे कोई डूबेगा। जी हाँ, ये हैं यमुना पासवान। यमुना पासवान आपको ककोलत में कभी भी मिल जाएंगे। ककोलत की देखभाल यमुना पासवान करते हैं। इनके नाम एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है कि ये ककोलत में 125 लोगों को डूबने से बचाए हैं। जरूर बताएं आप हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा है उसे जरूर बजाएं। शुक्रिया।